वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पैरेलल लाइंस का डिफिनेशंस और ट्रांसवर्सल लाइन का डिफिनेशंस पढ़ा, कुछ एग्जांपल्स भी देखे। नाउ सी द थ्योरम इज इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन अल्टरनेट एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। हियर ए बी एंड सी डी आर द टू पैरेलल लाइंस, ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट इट एज द एंगल आर फॉर्मेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8। हेयर गिवन दैट ए बी पैरेलल सी डी एंड वी हैव टू प्रूव दैट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। नाउ सी प्रूफ है। हेयर एंगल 3 एंड एंगल 1, एंगल 3 और एंगल 1 ये दोनों जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है, सो दे आर इक्वल्स। एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 या जो है कोरिस्पोंडिंग एंगल्स है, तो यहां एंगल 3 इक्वल है एंगल 1 के अल्टर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स और एंगल 1 इक्वल है एंगल 5 के कोरिस्पोंडिंग एंगल, सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। सिमिलरली एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। एंगल 4 जो है और 2 या दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं और फिर एंगल 2 जो है एंगल 6 के इक्वल है, सो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 एंड इट इज प्रूव्ड। सिमिलरली सी द सेकंड थ्योरम इज इफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। हियर ए बी एंड सी डी आर द टू पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रायंगल लाइन इंटरसेक्ट इट एंड द एंगल्स आर फॉर्मेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8। अब यहां देखें, हियर वी हैव टू प्रूव सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स, यानी एंगल 3 और एंगल 6 इन दोनों का सम 180 और एंगल 4 प्लस एंगल 6 का सम 180 होगा। तो इसे प्रूव करने के लिए हम जो है सबसे पहले देखें, तो यह जो लाइन है ए बी, यह एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे यह एंगल 3 और एंगल 4 जो है इन दोनों का सम 180 होगा, लीनियर पेयर्स होंगे। और बट एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो यहाँ जो है हम 4 के प्लेस पे अगर 6 लिख दें, यहाँ 4 के प्लेस पे इक्वल एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है, तो 4 के प्लेस पे 6 लिख दिए तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 हो गया। सिमिलरली यहाँ एंगल 5 और 6, या चूंकि यह सीधी भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ एंगल 5 और एंगल 6 इन दोनों का सम भी 180 होगा। फिर यहाँ देखें एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है, तो यहाँ जो है एंगल 5 और 6 के जगह पे हम 4 प्लेस कर दिए, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। यानी इस तरह से यह प्रूव होता है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस then each pair of consecutive interior angles are supplementary। तो इस तरह से जो है हम इसके बेस पे अब कुछ जो है applications देखेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पैरेलल लाइंस का डिफिनेशंस और ट्रांसवर्सल लाइन का डिफिनेशंस पढ़ा, कुछ एग्जांपल्स भी देखे। नाउ सी द थ्योरम इज इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन अल्टरनेट एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। हियर ए बी एंड सी डी आर द टू पैरेलल लाइंस, ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट इट एज द एंगल आर फॉर्मेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8। हियर गिवन दैट ए बी पैरेलल सी डी एंड वी हैव टू प्रूव दैट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। नाउ सी प्रूफ है। हियर एंगल 3 एंड एंगल 1, एंगल 3 और एंगल 1 ये दोनों जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, सो दे आर इक्वल्स। एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 या जो है कोरिस्पोंडिंग एंगल्स है, तो यहाँ एंगल 3 इक्वल है एंगल 1 के अल्टर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स और एंगल 1 इक्वल है एंगल 5 के कोरिस्पोंडिंग एंगल, सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। सिमिलरली एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। एंगल 4 जो है और 2 या दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं
और फिर एंगल 2 जो है एंगल 6 के इक्वल है, सो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 एंड इट इज प्रूव्ड। सिमिलरली सी द सेकंड थ्योरम की इफ ए ट्रायंगलर इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉन्स्टेटिक इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। हियर AB and CD are the two parallel lines and a transversal line intersect it and the angles are formed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. अब यहाँ देखें, here we have to prove sum of the two interior angles यानी angle 3 और angle 6 इन दोनों का sum 180 और angle 4 plus angle 6 का sum 180 होगा। तो इसे प्रूव करने के लिए हम जो है सबसे पहले देखें, तो यह जो लाइन है AB यह एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे यह एंगल 3 और एंगल 4 जो है इन दोनों का सम 180 होगा, लीनियर पेयर्स होंगे। और बट एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो यहां जो है हम 4 के प्लेस पे अगर 6 लिख दें, यहां 4 के प्लेस पे इक्वल एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है, तो 4 के प्लेस पे 6 लिख दिए तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 हो गया। सिमिलरली यहां एंगल 5 और 6 या चूंकि यह सीधी भी एक स्ट्रेट लाइन है तो यहां एंगल 5 और एंगल 6 इन दोनों का सम भी 180 होगा। फिर यहां देखें एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है तो यहां जो है एंगल 5 और 6 के जगह पे हम 4 प्लेस कर दिए यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। यानी इस तरह से यह प्रूव होता है कि इफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉन्स्टेटिक इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो इस तरह से जो है हम इसके बेस पे अब कुछ जो है एप्लीकेशंस देखेंगे। See here, the question is PQ and RS are the two parallel lines such as X और MY ऐसे three points हैं जिन्हें join करने पर angle QXM 135 का है और MYR या जो 40 degree का है और हमें XMY find करना है। तो यहाँ जो है M point से हम एक parallel line ले लेंगे जो PQ के पैरल होगा और इस तरह से यह तीनों लाइन भी आपस में पैरल हो जाएंगे। फिर यहां जो है XM QXM और जो है XMB इन दोनों का सम 180 होगा तो 135 और इसे हम A ले लेते हैं तो इन दोनों का सम 180 है सो A इक्वल टू 45। नाउ BMY यहां देखें यह जो है आपका BMY और MYR या दोनों जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे जो 40 डिग्री का हो गया। इस प्रकार से हमें एंगल फाइंड करना था XMY तो यह हो गया आपका जो है 45 और यह 40 यानी दोनों का सम फाइंड कर लिए 85 हो गया। सी गिवन दैट AB CD एंड EF थ्री पैरेलल लाइंस इन विच AB पैरेलल CD पैरेलल EF AB parallel CD and we have to find X, Y and Z। तो यहां देखें EF CD के parallel है तो Y plus 55 यानी Y plus 55 या दोनों जो है allied angle होंगे और इनका sum 180 होगा so Y equal to 180 minus 55 125। Here X and Y both are equals because corresponding angles तो X and Y equal to 125 हो गया। और यहां देखें यह जो एंगल ए है वह राइट एंगल है और एंगल ए प्लस एंगल ई इन दोनों का सम 180 है तो यहाँ जो है एंगल ए 90 एंगल ई के प्लेस पे हम जेड प्लस 55 लिख दें इक्वल टू 90 या प्लस 90 90 टू 90 कैंसिल सो जेड प्लस 55 90 सो 90 इक्वल टू जेड इक्वल टू 90 माइनस 55 सो 30